हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Hi guys, नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मलहारा। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज मेरे साथ ऐसे गेस्ट हैं I have on this couch one of the many, 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 many beautiful, talented actors जो कि second time है हमारे show में। I'm very, very proud and very, very honored and very, very grateful for Vishal, ladies and gentlemen। जोरदार तालियां। This boy has the most infectious ही बोलते हैं ना? हाँ, क्या? Depends। हाँ। Smile and and उनके साथ है, okay, turn of events इतने supreme हो गए आज। So I knew Supriya because she was doing a show, लेकिन I didn't know कि उनकी जो dear husband है, we worked together and she is a great cook and even better actor। I saw her clips and she's outstanding and both of them are doing wonders on their show। So जोरदार तालियां जाए Supriya के लिए। She's a great cook because she had made really nice pani puri and save batata puri and we enjoyed it on our set and she's just amazing and her husband is even lovely. Too good. And that body. Great body he has. Who kab dekha? Mere show mein tha na wo. Body kyun dekha? To itta used to wear very nice clothes on our show. It was Ammi Rokke. Hamare jaisa nahi hai. मैं तो फिर भी चंदन का नहीं ओके सो हम यूजुअली बात क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करते हैं बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू नो हाउ वेल यू नो ईच अदर। सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट हर एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट हिम। ठीक है, इमिटेट करो हाउ ही इज ऑन सेट, द फर्स्ट थिंग दैट ही डज आफ्टर कमिंग ऑन सेट, लाइक व्हाट डज ही डू। ये तुझे बताना है। डू इट। मैं तो करके बता सकती हूँ। करके बताइए, वही चाहिए, इमिटेट कीजिए। गो सुप्रिया। चप्पल खोलती हूँ ना, पड़ेगा। हाँ हाँ, उठ के ही होगा वो सब। ओह नो, लुक एट हर। हाँ। देख, एक होता है जिसे लक्ष्मण देखो केम दिया था। 10 मिनट्स बाद आना मेकअप हेयर के। देख, कोई कोई लोग होते हैं जिनसे आप गले मिलते हो, कोई कोई लोग होते हैं जो गले पड़ते हैं। मैं गले मिलता हूँ, जो पड़ते हैं उसको हेल। But is it very, it's very evident कि आप उनको ऐसे पढ़ रहे हो? मतलब हाँ, मतलब मुझे पता है कुछ कुछ। सी आई गेट वाइब्स, मुझे ना वाइब्स चाहिए। अब 3 महीने हो गए यार, तो मुझे वो वाइब्स समझ में आ जाती किसकी क्या है। तो जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ यार, ये व्हाट्सएप यार, मैं प्रॉपर करने जा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ नहीं मिल रहा है यू वाइब्स, उसके बाद क्विक। हाँ, मेरा सीधा अलग हो जाता है मेरा। लक्ष्मण सर, मेकअप हेयर भेजू 10 मिनट बाद। हाँ, मतलब अभी 9 का कॉल टाइम है। हाँ, फिर थोड़ा सा गपियाऊंगा। देख, 9 बजे का कॉल टाइम होता है, पहुंच गया सपोज 8:45-8:50 को। जैसे ही अंदर गया, नहीं चलो सर, मैंने बोला भाई 10 मिनट तक मैं किसी को दिख ही नहीं रहा। लेकिन आप ये तो बताओ, वो सब मत करो। हाँ। आप पहले बताओ तो मैंने सही किया कि नहीं। अरे एकदम सही था ये। टू गुड यार। और नजदीक से जानते मेरे को तो क्या है ना, द मिनट आई गो ऑन सेट, मैं जैसे मेरे मेकअप रूम में बैठता हूँ ना, सी इट्स अ सेकंड होम, सो आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू टेक दैट फील। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। मैं कह रहा हूँ, मैं वो 10 मिनट क्यों मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सही किया कि नहीं। मेरे को एक कॉफी चाहिए, मेरे को मेरा एक सुट्टा चाहिए, ये दो चीज हो गई। अब कर लो। नहीं, सुबह चाय। हाँ, सुबह चाय। सुबह चाय पहले चाय होती है मेरी, उसके बाद पूरे दिन में 4 से 5 कॉफी होती है, जो अभी थोड़ी कम हो गई है मेरी। और फिर हाँ भाई, आ जाओ, रेडी करो। वो सब ठीक है, आप पहले ये बताओ मैंने सही किया। एकदम परफेक्ट टू द टी। एंड हाउ डज शी डू इट, लाइक व्हाट डज शी डू व्हेन शी कम्स? देख, ऊपर वाले ने लड़की बनाया है इसको, है बिल्कुल नहीं है। जो भी बड़े
आई थिंक एक मैं हूँ जिसको ये गले मिलती भी होगी, बाकी आई थिंक सबके साथ उसका लाइक दूर से ही चलो चलो हाँ बहुत या मेंटेन डिस्टेंस एंड ऑल। हाँ वो ये भी मैं बोलूँ ना कि ये जेन्युइनली रिजर्व्ड है सेट पे, मतलब ये सबसे मतलब अगर यहाँ पे 10 एक्टर बैठे हैं ये अलग कुर्सी लेके बैठी होगी, ऐसा नहीं है कि उसका जमता नहीं किसी के साथ, नहीं सबके साथ जमता है, लेकिन बट मैं मुझे नहीं मैं थोड़ा उधर तो मैं कभी कभार कुर्सी लेके उधर जाती हूँ, मतलब क्या आप बैठो ना आप क्या मैं नहीं है तू अकेले ऐसे बैठे और मैं सेट पर भाई भाई मेरी हीरोइन है दादा नहीं तो यार मेरी हीरोइन है तो मेरी हीरोइन है और भी अकेले बैठी तो मैं जाके बैठ भले हम बात ना करें बात ना करें सर शी इज इन हर जोन आई एम इन माई जोन बट हाँ भाई है बाजू में बैठे अब अकेला बैठ रहा कोई बट यार शी इज एकदम अपना एक्टिंग में कोई हाथ या उंगली नहीं पकड़ सकता तो वेन यू नो दैट यू आर देर देन यू आर द वे यू आर ना कोई कुछ बोल ही नहीं सकता एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत खुशनसीब हूँ एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट क्या होता है ना कभी आप जब शो करते हो तो कोई सामने वाले का फर्स्ट शो होता है आपके साथ कभी आप जब कर रहे हो तो आपका पहला शो है सामने वाले के साथ हाँ, तो उनकी परफॉर्मेंस और आप ऐसे होते हो शिट यार कितना अच्छा कर रही है कभी सामने वाले कहो यार इसको तो इतना अच्छा आता है मुझे ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है कि आज जो सामने को स्टार मिला है भाई साहब मतलब गजब मजा आता है वो कि क्या करने वाली है ये क्या करने वाला है हाँ भले हम लाइंस रिहर्स करें बैठ के हम सब कुछ रीडिंग वीडिंग करें लेकिन वो टेक में कुछ अलग ही इम्प्रूव आने वाला है उसके लिए रेडी रहना पड़ता है कि ये कहाँ नीचे से सटाक करके देगी तो वो रेडी रहना पड़ता है हाँ क्या लाइन बोली मैं तो अपनी लाइन के साथ साथ इसकी भी पढ़ के रखता हूँ हाँ आज भी कुछ हुआ हम लोग लाइन रीड करें भले बीच का कुछ बोला नहीं तूने हाँ नहीं वो मैंने काट दिया अच्छा ओके तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सो इट्स वेरी गुड यू नो सो दैट्स द रीजन जो सीन्स बन के आते ना उस हिसाब से अगर एक्स्ट्रा लाइन है या कुछ लाइन मिसिंग है चाहे तो मैं ऐड कर देती हूँ या एक्स्ट्रा लग रहा है काट दे ताकि वो वैसा ना लगे कि यार क्या हाँ हम दोनों में एक चीज और है कि हमने कभी सीन्स खाने जो होता है ना वो एक टिपिकल सीन खा लो वो कभी नहीं किया कभी सोचा भी नहीं है कि जब ये बोल आपका है बिकॉज जो शो का लैंग्वेज है शी इट्स फॉर हर इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिकॉज वो बिलोंग करते हैं वहाँ से तो कहीं कहीं मेरा अगर कुछ नहीं होता है लाइन्स वर्ड्स ये बोलो ये ऐसे करो ये लाइन बोलो ये अच्छी है यूज इट इट्स नाइस आपको शायद बोलने में दिक्कत हो रही है लेकिन वहाँ पर इट्स अ बिग थिंग अच्छा ओ अब मेरा था क्या कर रहे हो बे साला समझ में नहीं आता साला मत बोलो वहाँ पे वो गाली है यहाँ पे नॉर्मल है ओके जहाँ के लिए शो बन रहा है वहाँ के लिए वो एक तरह से साला इस मुंबई या लैंग्वेज क्या कर रहा है साले तो मेरा एक दो बार आया बोलते मत बोलो वहाँ पे ओ सॉरी सो दैट इज देयर गिवन टेक ऐसा नहीं हाँ बोलने का ना तुरंत हो गए ये नहीं मेरे को कुछ खटक दे बोला सुप्रिया ये तुझे क्या लगता हाँ नहीं वो ऐसा हाँ ओके सो दैट इज ऑल्सो देयर दैट केमिस्ट्री इज ऑल्सो देयर So it's nice. It's very nice. Actually, मैं एक ही चीज़ मानती हूँ कि जो जिसका जितना है ना उतना रहेगा ही अगर मैं ट्राई कर रही हूँ कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं अभी काटूँगी आगे बढ़ेगा बेटर है जिसके जो यहाँ है वो मिलना ही है of course. और तो आप अपना बेस्ट करते जाओ अगर उस सीन में मैं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग वैसे ही परफॉर्म करे ताकि वो सीन उठ के आए ये नहीं कि मैंने अच्छा परफॉर्म कर लिया लेकिन सीन कैसा हो गया ऐसा मतलब तो मेरा सिर्फ यही रहता अगर कोई तीसरा बंदा भी कुछ ऊपर नीचे बोले कि मत बोल या तो बोल दे मत कर ऐसे तो मेरा वो रहता है कि अगर मैं वो सीन में हूँ तो वो सीन अच्छा हो उसके लिए ऊपर नीचे अगर कुछ करना पड़े तो इट्स ओके और क्या होता है ना यहाँ पे लोग इन सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय शो जनरली आई हैव सीन अगर मैं बोलूँ ना अब मेरा कितनी बार लैंग्वेज होता है इनको के ए दिमाग में क्या भूसा भरी हो कितने जन होते पर्सनली ले लेते हैं अरे ये आपके लिए नहीं है ये कैरेक्टर है यहाँ पे खुद बोलो सही है क्योंकि बाद में जब आप ये करोगे तो ये काम में आएगा ये इसको उन लोग इसमें हाँ ओके सो दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग इज दैट मैच्योरिटी इज दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस काउंट सो लुक एट दैट फर्स्ट क्वेश्चन में आपने तो एकदम फुल चौके मार दिए सी गिव
अभी तो आपने बोल दिया कि यू बोथ आर वेरी ग्रेट एक्टर्स, बट ऑफकोर्स कभी कभी मिस्टेक्स होती होंगी लाइक कभी कभी ऑन बोथ ऑफ योर साइड्स. सो हाउ डज द अदर पर्सन रिएक्ट जब भी कुछ गलती हो जाती है, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हाउ डज शी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड इन अ फनी वे? अरे यार क्या हो गया. ऑनेस्टली अभी तक तो नहीं हुआ है. मैं वही कह रहा था, इनफैक्ट हम दोनों का ऐसा है कि फंबल तो अब तक हुआ ही नहीं, बट कोई दूसरा भी अगर फंबल कर देना मजाक हम लोग हंस के दिखाए. हम लोग हंसते नहीं है, लोग हंसने वाले पर अपन यार इंसान है, हो गई गलती, बिग डील. तो क्या हो गया, सीनियर है तो हो गई गलती, इंसान है ना. इट्स ओके, सी बिकॉज द पर्सन इज इन द सीन, द मिनट यू लाफ. एक तो डिसरिस्पेक्ट किया आपने, छोटा एक्टर हो, बड़ा एक्टर हो, सीनियर हो, जूनियर. नो, आई एम सेइंग कि वो खुद ही कैसे रिएक्ट करते हैं, एज इन अगर ये गलती कर रही है वो खुद ही कैसे हो जाती है, वो आपको एक्टिंग करके दिखानी है. अच्छा, आप दोनों ने कभी गलती की नहीं है? अब तक तो नहीं हुई है, बट क्या होता है ना, कभी लाइन्स ऊपर नीचे थे, सर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ ले लो वापस. एंड बाय आई एम लाइक गॉड्स ग्रेस, हमारे जो डायरेक्टर भी है उनको भी पता है कैसे है, हम शुरू से स्टार्ट करते चलेगा. कितना कभी होता ना डायरेक्टर, अरे यार जहाँ पे अटका है वहीं से शुरू करना, नहीं नहीं आप करो प्लीज, ऊपर से मूड आ रहा है तो ओके. तो वैसा हुआ है, अब तक तो वो कंप्लेंट्स नहीं आई है. अब तक अगर कभी फंबल होता भी है तो कंटिन्यू कर देते हैं रिएक्शन, क्योंकि वो जोन में होते हैं ना. तो फिर वो तो कटना ही है ना, फिर वापस से क्लोज या ओएस आना ही है. तो फिर अब फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता कि कोई हंसता है नहीं हंसता, अपन भाई करना है हो गया. तो हमारा तो ऐसा हुआ नहीं, इनफैक्ट हम कभी अगर ऐसा हो भी जाता आई एम श्योर शी विल नेवर लाफ और आई विल नेवर लाफ. Oh wow! So, okay. This is now close. Both of you close your eyes now. Please do. Ayla. Then you do know. Okay. You have to tell me what she is wearing. What color of this? Like what top color? What she is wearing? Red full top, blue jeans. हाँ. What is she wearing in her ears? ऐसे बड़ा. और उसको क्या बोलते हैं मुझे? Dangling. Okay. Wow. और हाथ में? एक तो अंगूठी है उसकी पोखराज. हाँ मुझे उतना ही पता है, मुझे हाथ में बस ऐसे डायरेक्ट हूँ ठीक से, मैंने हाथ में उसको कभी देखा है कुछ पहनते हुए. और पैर? हील्स है और एक धागा है. धागा भी है? अच्छा वो जीन्स के अंदर होगा. गुड जॉब, आंखें खोल दो आप. हाँ. आप देख लो क्या क्या मिस किया आपने, आपने सिर्फ घड़ी मिस की. घड़ी मिस की, वो भी आज इसको देखी है मैंने, पहनते हुए कभी पहनती नहीं है. ओके नाउ यू टेल मी व्हाट इज ही वेयरिंग फुल्ली, बिकॉज ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब विद यू. स्काई ब्लू जॉगर्स, व्हाइट टी शर्ट. टी शर्ट पर क्या है? टी शर्ट पर कुछ तो कार्टून बना हुआ है. ओके क्लोज. उसके बाद वॉच जो हमेशा पहनते हैं एप्पल का. और शू? विच कलर वॉच? ब्लैक. एंड शू? आई थिंक व्हाइट. परफेक्शन परफेक्शन सुप्रिया, परफेक्ट. इट्स एन ऑस्ट्रिच नो? I think it's a flamingo. अच्छा हुआ मैंने बर्ड का नाम नहीं बोला, मैं तो बोल ही नहीं पाती. Another question ये है कि अगर इनके ऊपर एक सिटकॉम बन रही होती या फिर कोई भी सीरियल, what would that name, मतलब सीरियल का नाम क्या होता या शो का नाम क्या होता या मूवी का नाम क्या होता, if it was based on his life? Interesting. And same for you, so you can think. पहले से बता दीजिए. और लाइक अ बुक, बुक का टाइटल, एनीथिंग. कसम से मैंने इतने बुक्स पढ़े होते तो आईएएस बन जाती मैं. ओके यू वांट टू से अबाउट माय सेल्फ? फॉर हर. फॉर योरसेल्फ विल बी इजीर क्या? नो नो नो, आई मीन आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो. कॉमेडी शो तो जरूर बनना चाहिए. कॉमेडी, कॉमेडी शो बनना चाहिए. हां कि फुल टाइम मतलब सबको एंटरटेन करना. इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यू. हाँ पंच लाइन अच्छे होते हैं लेकिन कभी कभी बहुत घिसे पिटे होते हैं जो मैं सिर्फ पकड़ पाती हूँ. बाकी लोग हंसते हैं, समझते ही नहीं है यार. बाकी लोग सब हंसते हैं, मैं बोलती हूँ क्या है यार, बी बेटर यार. ठीक है. ओ ऐसा नहीं कि रटा रटा है, मैं प्लान करके सोचा हुआ जो वो सामने आते तो जो मुंह में आया बोल देते हो आ जाता है. तो कोई कॉमेडी शोज इन पे बनना चाहिए और इनके ऊपर. आई लाइक दिस साइलेंस. हाँ बिकॉज़
फिल्म में गाना डाल देना तो उसे नैना मिला क्या क्या डालूंगी मैं नहीं छाप तिलक छाप तिलक डाल अरे मैंने इनको सीरियस जितने भी इनके सीन देखे सारे सीरियस ही सीन हुए तो समथिंग इंटेंस ये जैसे दबंगी आया ना समथिंग ऑन दोज नोट्स अच्छा कितना ऑफ हिज रियल कैरेक्टर इज हिज रियल कैरेक्टर हाउ मच ऑफ इट मतलब इज ही रियली लाइक द कैरेक्टर लाइक ही इज प्लेइंग या इज रियली स्टार्क ऑपोजिट ऑफ इट नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 80% मैंने कहा ना बहुत राउडी हूं बहुत राउडी हूं 80% बिल्कुल नहीं ये ऐसा रोने ही रुलाने वालों में सर रोएगी ये रोएगी जितना रोती है ना सेट पे सीन में सवाल ही नहीं है मेरे को आजू बाजू में ऋषि भाई पता नहीं मिलेगा तो पता है ऋषि इज टू नाइस यार मैं मिला नहीं उनसे बट जब भी मिलेंगे तो पूछूंगा भाई सब ठीक ठीक है सच में सब चल रहा है सो हाँ शी इज टोटली ऑपोजिट लाइक शी इज नॉट बेचारा टाइप्स मैं हंसती रहती हूँ मैं शी इज नॉट एंजॉय करती हूँ मैं मेरा ये है कि कोई बोलता है ना बोर मैं कभी अभी तक टच हूँ मैं कभी बोर ही नहीं हुई चाहे वो घर में रहूँ या कहीं भी रहूँ मैं सेट पे भी अकेले बैठूँ मैं बोर ही नहीं होती मैं आई डोंट नो मैं अगर मुझे ये कब भी मिल गया तो इसके साथ भी मैं खेल लेती हूँ हाँ इसके साथ भी कुछ ना कुछ मतलब और शांत नहीं रह सकती कोई बोल दे सेट पे आपका ऐसे तो होता नहीं ऑफ ऑफ हो जाए कि आप इतना रेस्ट कर लो मैं सो नहीं सकती सर नींद नहीं आती मैं तो बहुत सही सो सकती हूँ मैं नींद नहीं आती मुझे घर पहुँचने के बाद ही नींद आती है मुझे सेट पे नींद ही नहीं आती बट यू ऑल मेक लॉट ऑफ रील्स आल्सो क्या लॉट ऑफ रील देख तो रही हूं अपना मैं एक दो ही बना यार कहां लॉट ऑफ बना अपना मैंने तो देखा मैंने तो बहुत देखे आप दोनों के हैं तीन चार तो बनाए थे हमने हम दोनों ने कहा तीन चार बनाए हैं तीन चार बनाए थे हमने अपने एक आज वापस सजना है तो चार हो जाएगा हां सजना है मुझे बनाया था एक वो जो मैंने ब्लूपर किया था वो बनाया था तेरे दिवाली वाला बनाया दिवाली वाला बनाया एक और बनाया जिसमें कट 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 करके ऐसे मैंने दो बनाए हैं जो आपको समझ नहीं आया नहीं हाँ मेरे को ना ये सब नहीं आता समझ में दैट्स व्हाई आई हैव अ गेम फॉर यू यार इन हैम्पर है मैं गेम हारा तो भी ओके लेकिन आज आज हम आए हैं तो दोनों को हैम्पर मिलने वाला है शायद मुझे यही बोला था उन्होंने नहीं ऐसे नहीं होता है द बेस्ट वन विल विन गाइस अरुण ने बोला था मुझे कि द बेस्ट या तुम आओ द बेस्ट दोनों को हैम्पर मिलने वाला है तुम दोनों को हैम्पर मिलेगा तुम दोनों का तुम शूट से आओगे तुम थक के आओगे मैं नहीं चाहती कि तुम अरुण ने कसम से वादे झूठे होके जाओ तुम खुश होके जाओ नहीं नहीं गेम में अपना 100% भाई कंपटीशन और कंपटीशन की जगह पे बस लेकिन वहां पे लड़की लड़का ऐसा कुछ भी नहीं कंपटीशन दोनों दो हैम्पर दो हैम्पर ओके सो ये दिस इज अ कंपटीशन नाउ ओके ओके ग्रेट ये जेंजी के बीच में तक क्या डालने का नहीं कुछ ओके जेंजी के लिंगो है यू हैव टू टेल मी व्हाट डज इट मीन ठीक है रेडी व्हाट इज सॉल्टी हां सॉल्टी नमक नहीं है लेजिट इट्स ही इज अ वेरी सॉल्टी पर्सन हॉट सॉल्टी रेफरेंस क्या होता है इसका किसको बोलते हैं सॉल्टी इंसान को हाँ मतलब इंसान को है ना इंसान को बोलते हैं ना जेलस जेलस नहीं जेलस तो ब्लैक पेपर बोल सकते हाँ इसको इतना भी पता है यार ब्लैक पेपर बोलते हैं या ब्लैक पेपर सॉल्टी तो मुझे लगता है हॉट को ही बोलते हैं बहुत सॉल्ट है इसमें नमक है इसमें लड़की को बोलते हैं नमक है इसमें आई थिंक और लड़के में क्या नमक है नहीं नहीं नमक है हॉट है यानी नमक है क्योंकि जेलस मतलब ब्लैक पेपर विकिपीडिया सर्च करके आई है यार ओके विकिपीडिया अभी अपन क्या ओके ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों को मैं नहीं दे रही जीरो जीरो अंडा अंडा क्लैप बैक ए जा यार नहीं समझ रहा तो एटलीस्ट ट्राई क्लैप बैक क्या मतलब होगा इसका मेरे को क्लैप बॉक्स पता है जो मैं प्ले करता हूं क्लैप बैक नहीं पता मुझे बैक क्लैप बैक Tit for tat मतलब जगर Tit for tat अच्छा इन वर्ड्स तो वर्ड्स मतलब बोला है तो उसका बोला तो उसका जवाब ऐसे ऐसे यही ना ग्रेट ओके 1-0 ग्लो अप क्या ग्लो अप का मतलब क्या है चलो नहीं उठ जाओ नहीं
ग्लो डू वापस एटीट्यूड शाइन काइंड ऑफ हां मतलब करियर शाइन हां मतलब ऐसे बोलते हैं कि एक लड़की बहुत मोटी थी ऐसी थी देन उसको ग्लो अप हो गई करियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके लाइक अ ग्लो अप आई विल गिव यू आधा आधा मार्क्स ओके ए आधा क्या होता है यार पिछली बार भी आधा दिया था तुमने तो यू विल गेट जीरो और मैं साला आधे पे अटका था यू विल गेट अंडा देन इफ आई डोंट गिव यू आधा अच्छा चल गिव मी आधा आधा एंड वन हां चल ओके ई बॉय एंड अ ई गर्ल आधे का कीमत नहीं है लास्ट ओके स्टैन व्हाट डज स्टैन मीन टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ डर्नी स्टैन STAN STAN स्टैन बस अपना स्टैंप नहीं नहीं स्टैंप नहीं अपना अपना स्टैंड लेना वो भी नहीं नहीं स्टैंड लेना नहीं आई विल गिव यू हिंट बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट आई आल्सो डोंट नो आई विल गिव मतलब कि उसको नहीं चाहिए हिंट मेरे को बोल आने दे कुछ करके जो थप्पा बोल रहे हो ना नहीं थप्पा नो प्रूव योरसेल्फ डूइंग समथिंग नो दैट्स आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी डिफिकल्ट इट्स रिलेटेड टू पीपल हु लव यू बॉर्डरलाइन आल्सो बॉर्डरलाइन है थोड़ा पीपल हु लव यू एडमायरर लिटिल ऑन दोस लाइंस इट्स एन अमलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स दो वर्ड्स का मिक्सचर है एमलगमेशन समझा सॉरी यार नहीं बताओ स्टॉकर एंड फैन स्टैन बक बक ये नहीं चलेगा तीन दिन पहले मेरे को ना एक आइटम आया इंस्टाग्राम पे सर डू यू नो यू हैव लॉट ऑफ इंस्टाज ये कौन सा ऐप है मैं ऐप स्टोर पे चेक कर रहा हूँ फिंस्टा क्या होता है फिंस्टा क्या होता है इंस्टाग्राम नो फेक इंस्टाग्राम अकाउंट इज कॉल्ड फिंस्टा मैं बोला ये क्या होता है मैं बोला व्हाट इज दिस आई डिडंट फाइंड दिस ऐप सर इट मींस फेक इंस्टाग्राम अरे यू ऑल डिड सेम लाइक हां पता है ये आधे से मैं जीतता हां पर यू ओनली सेड ना आधा आधा क्यों दे रहे हो मेरे को तो 1-1 हो गया नहीं उसको भी आधा मिलता ना उनको भी आधा मिल रहा था one and a half, भी सेम ही हुआ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल डिस्कस दिस मोर यू गो एंड ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट बट लाइक टी एंड कॉफी स्पेशल हमेशा गंदा मारती बहुत बार ऐसे होता है कि शो में यू डोंट जेल अप विद एवरीवन बट स्टिल यू हैव टू मेक द सीन राइट तो हाउ डू यू मैनेज एक्सपीरियंस पास होते होंगे ना नहीं हाँ होते हैं ना होता है ठीक है बैक तो प्रोफेशनल है पर्सनल तो कुछ भी नहीं होता किसी के साथ हाँ ठीक है हो गया तो चल इतना मैटर नहीं करता सी व्हेन यू आर एन एक्टर व्हेन यू आर प्रोफेशनल एक्टर मुझे इतना पता है कि टुमारो इफ आई एम सपोज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर समथिंग एंड शी हैज टू डू रोमांटिक सीन वाइस वर्सा तकिया भी होगा ना तो हम रोमांस कर लेंगे सो नॉन लिविंग थिंग के साथ अगर हम इतना अच्छा इक्वेशन बना सकते हैं बीइंग एन एक्टर ये एग्जांपल बहुत बुरा था हां ठीक है सो आई थिंक सी नॉट एवरीबॉडी कैन जेल अप विद एवरीवन जैसे मैंने वाइब्स का सो नॉट एवरीवन कैन जेल अप विद योर वाइब सो इट्स ओके ना जरूरी थोड़ी है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे इसके साथ जमाना ही है बट ही इज हियर फॉर प्रोफेशनल रीजन जो उनकी कला है उसके वजह से वो यहाँ है जो मेरी कला है उसके वजह से मैं वहाँ हूँ एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्टर्स टेक्नीशियंस भी होते जिनके साथ आपको ऐसा लगता है यार नहीं वाइब नहीं मैच हो रही है कितनी बार होता है ऐसा बट नहीं वो अपना काम कर रहे हैं उनका काम है मुझे अच्छा दिखाना या अच्छा ये करना मेरा काम है मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देना एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर प्रोड्यूसर फॉर द चैनल उनके पैसे स्टेक पे है उनका नाम स्टेक पे है सो वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू राइज अबव ऑल दैट थिंग सो दैट इज वॉट माई थॉट इज तो हाँ ठीक है होता है कभी कभार यार वो बोलते ना घर में बर्तन खनकते हैं अगर बचते हाँ बचते तो खनक बचते हैं ठीक है बचते हैं यार ये भी फैमिली है ना होता है बट हाँ वो काम पे असर
मुझे कभी कभी हो जाता है, मैं मेरे को अगर सपोज मूड ऑफ हुआ ना तो मैं ऐसा मेरे को 5 मिनट दो यार, मैं बाहर जाऊँगा। 7 मिनट हाँ मेरा 7 मिनट फेमस है, मैं बाहर जाऊँगा, मैं एक कॉफ़ी रहेगा, एक शूट रहेगा। हाँ चल 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 कहता हूँ मैं, बोला ना मैं, मुझे बहुत बार बोलते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बिग बॉस पे जाने में मैं बहुत संगी, मैं मार मार दूंगा किसी को तो मैं नहीं, थोड़ा है वो, बट आई एम क्वाइट पीसफुल नाउ, पीसफुल इन अ सेंस, मैं वैसे भी मतलब मारामारी नहीं करता, बट है वाइफ अभी योगा टीचर है, वो मेडिटेशन गुरु है, या है, तो वो उसने मुझे सिखाया है मेडिटेशन करना, वेरी स्वीट, मतलब मैं मिली नहीं हूँ लेकिन जो भी मैंने देखा है, साउंड हीलिंग करती है, तो जब भी मैं घर जाता हूँ भले दिन कितना भी अच्छा गया हो, वो सिट मैं जाऊँगा, शी डू हर थिंग लाइक रिलैक्स गो ऑफ टू स्लीप, ओके, सो वो एक है, तो आई स्टिक ऑन। अब मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे सिर्फ अपने साथ कुछ हो रहा है तो गुस्सा नहीं होता, मुझे किसी और के साथ भी कुछ हो रहा होता ना तो मैं क्या है चल, तो मैं वो एक्चुअली बोलते हैं दूसरों के फटे होंगे, ये नहीं 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 बोलने का, क्यों बोल रहे हो आप, क्यों गाली दे रहे हो उसको, मेरा वो भी है थोड़ा, तो नाउ आई हैव ट्राइड टू विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, भाई तुम्हारी बैटल है तुम लड़ो, मैं नहीं आऊँगा बीच में। क्वेश्चन ये था कि अगर आपको किसी के साथ अनबन है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया जवाब देने में, नहीं कोई नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, नहीं पड़ता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ही थॉट है, क्योंकि जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ रांची झारखंड से और जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हमारे में इमोशन बहुत रहते हैं, जब मैंने पहला दूसरा शो किया तो बहुत इमोशनली अटैचमेंट हुई लोगों से, लेकिन तब पता चला जब शो ऑफ एयर गया तो पता चला कि अटैचमेंट सिर्फ शो तक था, तो वो जो इमोशन था ना वो बहुत ब्रेक डाउन हुआ। उस टाइम मुझे सिखाया कि भाई तुम सिर्फ काम करने के लिए जा रही हो, तुम्हारा पर्पस है, तुमको किसी ने हायर किया है, जैसे हम प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रहे हैं, चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी मेरा है एक मानना कि मैं कभी भी ट्राई नहीं करती कि मेरा इसके साथ जेल हो जाए या मेरे वाइफ मिल जाए, मैं कभी ट्राई नहीं करती, मुझे अंदर से फील होता है कि मैं 2 मिनट इनसे बात कर लूँ तो मैं बात कर लूँ, चाहे वो लाइट दादा हो, सेटिंग दादा हो, मेरा बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब मुझे पता है कि कल को मुझे टेक्नीशियन है ना, वो एक बार कॉल भी कर लेंगे कि मैम कैसे हो, लेकिन एक्टर्स नहीं करेगा, कंफर्म बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो और मेरा अभी का भी एक्सपीरियंस, अभी भी जो पुराने मेरे शो के बैरिपिया जो मैं बालाजी का करती थी उनके शो के जो मेरे टेक्नीशियन है, जो DOP थे सर, वो आज भी मैसेज करते हैं, आज भी कॉल करते हैं, तो वो जो एक ब्रेकडाउन था ना मेरा, तो शायद मुझे लगता है हर चीज़ कुछ कुछ सिखा के जाता है, तो वो मुझे बताया कि आप ट्राई मत करो जेल होने का, अगर हो जाता है ऑर्गेनिक हो जाता है तो ऑर्गेनिक हो जाता है, वो इंप्रेस करना है, ऑर्गेनिक हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलने लगती है, आपकी थिंकिंग मिलने लगती है, आपको उसके वाइब्स अच्छे लगने लगते हैं, या आपको उसके साथ बैठना चल हो सकता है, कई बार घंटों घंटों हम बैठ जाए बात ना करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी एक्सपीरियंस करना, कई बार होता है कि हम ऐसी जगह बैठते हैं या एक कोई सोफ़ा होता है या चेयर होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन उस जगह बैठ के हमको पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, तो ऐसे ही एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ भी होता है कि बस बाजू में बैठ जाओ कुछ नहीं, तो आपको लगता है कि बहुत लाइट फील कर रहे हो या बहुत ऐसे आप में थोड़ा सा सेफ फील कर रहे हो, दैट्स इट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो जानी दुश्मन भी होगा तो मुझे एक्ट कर लूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं रोमांटिक सीन भी कर लूंगी। ओह माय गॉड, वो वाओ, दैट्स अमेजिंग, ठीक है ना, नहीं तो यू बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आप दोनों को, इसलिए आप एकदम ऐसे कर रहे हो, मैं नहीं, एक्सपीरियंस काम का नहीं है, इंसान का है एक्सपीरियंस, मतलब कभी ऐसा होता है ना, जब क्या हुआ, ऑफ कैमरा चीजें होती है ना, क्या हुआ, चूरा मारा, ऑफ कैमरा चीजें होती है उसका, नहीं पड़ता क्योंकि बहुत चाकू घुसे हैं यहाँ पर। हाँ वो जो व्हाट शी सेड इज सो राइट, दैट आज 15 सालों के इंडस्ट्री में काफ़ी सारे शोज किए, गिनती के 2 जन हैं जो जिनसे बात होती है मेरी, गिनती के 2 जन हैं, दैट्स
इट और वो एक्टर है कि एक्टर है वो एक एक्टर है क्योंकि फर्स्ट शो था बड़ा भाई बना था रोहित सागर एंड हिज वाइफ बिकॉज ऑफ हिम शी इज ऑल्सो एन एक्टर शालिनी कपूर सागर बस वो दो जन हैं जिनसे बातचीत ऑन अ रेगुलर बेसिस हो जाती है कभी कभार मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो हो जाती है यस्टरडे वाज हिज बर्थडे तो वो हो जाती है बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्नीशियंस यस डायरेक्टर्स आज भी टच में क्या कर रहा हाँ सर ये हाँ नहीं देख रहा हूँ मैं अच्छा कर हाँ वहाँ से आते हैं सब सारे जैसे हेयर मेकअप टेक्नीशियन कोई भी अरे फोकस कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं हालचाल पूछ ही लेते लेकिन आप लोग को भी पूछो मैं यहाँ से गया आया तेरा कोई कॉल मेरे को बस नंबर नहीं ना उनका आया मेरे को अरुका आया वो चाह रहे कि तुम नंबर सेव करो अरे उसका तो लिख के डाल दिया जानू जानू नो इंस्टाग्राम किया था अच्छा नहीं नहीं वो नंबर सेव था चल अरे तो ए, कौन कौन फ्लर्ट कर रहा था उस दिन कौन फ्लर्ट कर रहा था आप तो नहीं कर रहे थे सुना सुना आज क्लियर हो गया होस्ट के सामने फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मैं नहीं कर रहा था ऑफ कोर्स नहीं कर रहे थे आप क्या नहीं कर रहे थे ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल आई एम सेइंग मैंने तो ऐसे ही बोला उस दिन दूसरे दिन क्या बोला सुप्रिया रहने दे तुम क्या हो गया अरे मुझे बोला मैंने बोला यार मैं मुझे आज के सामने बोला मैं नहीं नहीं मतलब मेरा वो बोले पतला गया Okay, okay. Let's move on to our next round, which is a game round. We'll play a little game and then we can decide who's the winner of this show. Okay. Okay. Let's take a quick break and I'm not going to do any joke right now. All right, ladies and gentlemen, we are going to take a short break. Go wherever you want, but please do come back and watch. Spice it up. With Tanu. What's that right? Welcome. I'm already welcome back. This game is called Never Have I Ever. It's very cute. I love it. Never have I ever. Never okay. have I ever. You have to just say dono ka answer jo bhi hai. Never have I ever googled myself. No, I have done. मैंने बोला था ना लास्ट टाइम मैं अपना नाम खुद ही ढूंढ रहा था यार कहाँ गया मैंने ना गांधी में थे ए हटा दिया हाँ ए नहीं अच्छा मुझे बोला गया ए हटा दो तो मैंने हटा दिया बोला चल कुछ करके देखते हैं ए हटा दिया देन वंस आई वाज सर्चिंग माय प्रोफाइल मैंने मैं दिख क्यों नहीं रहा यार नहीं मैंने भी उनसे यही पूछा था आप दिखते नहीं हो ए हटाने की वजह से हाँ लेकिन मैंने हटा दिया हाँ बट ये साहब गूगल में से ओके हैव यू गूगल्ड योरसेल्फ नहीं ऐसा तो नहीं किया रियली वाओ वाओ ओके नेवर हैव आई एवर ब्रोकन द लॉ एवरी डे मैं तो बहुत बार कौन सा टाइम पे पहुंचना है सिग्नल 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 तोड़ा है एक बार ड्रिंक एंड ड्राइव किया है एंड यू रिग्रेट ही रिग्रेट्स नहीं मेरा तो एक बार ऐसा हुआ था कि यार सुबह 5 बजे आ रहा था उसको किसने बोला था खड़ा रहने के लिए उधर सवेरा हो गया था थोड़ा बट आई वाज नॉट ऑफ कोर्स इट्स फॉर माय सेफ्टी लेकिन मैं ड्रंक नहीं था जैसे ऑर्डर्स देते हैं हम मतलब फूड के लिए और लेट हो जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ भी फोड़ा है मैंने वहाँ भी क्या किया फोड़ा है क्या इंसान को नहीं उसकी चीज को सुप्रिया, I can't see you doing that now. मैं बोला ना दबंगी, सही बोला रे। Wow, I want to see that in action fully. Given someone a fake phone number, your phone number, fake phone numbers. नहीं, girls, कोई मांगा ही नहीं। Boys, नहीं right. Okay, have seen. अरे अभी I can show you. Sorry, I'll show you. अभी आपने तो मेरे साथ एक scam हुआ. Somebody, अभी 2 दिन पहले की बात है I was going home, somebody transferred Google GPay, please आप लोग के लिए GPay किया मुझे 500 rupees and all of a sudden I started getting calls back to back that ये 500 आपको GPay किया please हमारे अकाउंट में डालिए वापस से and I said no, boss you come to my set, I'll give you the address, रिक्शा से आओ बस से आओ टैक्सी का फेयर भी दूंगा और वो 500 rupees भी दूंगा लेकिन मैं GPay नहीं करने वाला और उसका मैसेज आया है मुझे मैं तेरा नंबर बाथरूम पर लिख दूंगा और मैं तेरा सिम कार्ड क्या कर दूंगा ब्लॉक कर दूंगा हाँ सी
पैसे भेज रिटर्न, नहीं तो तेरा नंबर बाथरूम में लिख दूंगा, 500 रुपया खा के तू बड़ा नहीं हो जाएगा पर तेरा सिम बंद कर दूंगा, इतनी गारंटी है। वो करे ना करे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ओह गॉड। बट या सो नहीं फर्क पड़ता, अभी नंबर लिख दे रहा, हाँ लिख दे, क्या करेगा, वैसे भी अनोन नंबर्स नहीं उठाता। ओह गॉड। बट यार गाइस अगर ऐसा कोई करता है जीपे वीपे तो प्लीज उनको वापस से मत करिए। इधर आस्क फॉर देयर अकाउंट डिटेल्स, जो कभी नहीं भेजेंगे, या तो जहाँ आप रहते हो उसका एड्रेस दे दो, वहाँ पे भी नहीं आएंगे। Thank you for doing saying that. Thank you. Okay, used a dating app. Huh? Never have I ever used a dating app. No, I'm not. Because by the time it came, I was already married. Married. Yeah, I know that. You? Yeah, I would love to, of but baby phone देखती है तो फिर. No, you can't na now. अब तो क्या हो गया अब? Gotten. हो गया मतलब क्या यार? अभी भी married हूँ मैं. हाँ. Gotten. हाँ यार समझ लो, अभी भी market में सिक्का चल रहा है. Sorry, got into physical fight. बहुत बार। He has you? Not at all. नहीं तो जो मुंबई वाले हैं जो सामान तोड़ा है मैंने, किसी का सर नहीं तोड़ा है सामान तोड़ा फोड़ा है। और Been in love, of course you both are married, of course you both are in love. Snoop through someone's phone? नहीं। Your partner's phone? Not at all. Nice, yeah. Okay, creeped an ex on social media? By like I find all this very ew. Cringe. नहीं नहीं गया खत्म लाइफ से नॉन एग्जिस्टेंस बाय बाय टाटा गॉड ब्लेस यू नो एक्स फर्स्ट एंड लास्ट माय ऑलवेज एक्स फर्स्ट एंड लास्ट ऋषि यार यू ऑल मेट ऑन सेट नो नो गोवा ऋषि यार मतलब क्या ऋषि इज सो नाइस जब मैं मिली थी तब वो एयर इंडिया में था हाँ तो आपकी वजह से वो एक्टिंग कर रहे हैं कूडोस टू दैट मैम अमेजिंग दैट इज सो नाइस आई विश आई हैड मोर टाइम विद यू टू आस्क अबाउट योर लव लाइफ बट आई ऑलरेडी नो लिटिल बिट आई हैड आस्क्ड ऋषि सम लाइक मैंने कुछ कुछ तो पूछा है बोला होगा तुम लोग डबल यूनिट नहीं चलाते सेट पे भी यही होता है ये हम अच्छा दादा ये अच्छा दादा अच्छा दादा सेट पे भी यही होता है ये बोलते रहते हैं और हम जो लड़कियां होते हैं ना हम आपस में बात करते रहते हैं तो ये बोलते अरे यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा फिर सुनना ये हो गया हाँ ये ना बहुत बुरी आदत है इन लोगों की ये और हमारी क्रिएटिव है जानवी इनसे बात करो ना हाँ अरे पता है तुझे हाँ तो हाँ हाँ और मैं तो अरे सुन रही है क्या हाँ बोलो 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 मतलब क्या हो गया ना ऐसा हाँ तो जानी बात ही नहीं करनी एंड देन 2 मिनट बाद आप फिर आओ नहीं फिर नहीं आता मैं नहीं फिर वो नहीं थोड़ा थोड़ा जब पैक पर होता है ना नहीं थोड़ा जब मुझे पैक पर होता है ना कि अच्छा 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 बोलो 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 कट 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 डूड कट 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 याद आते हैं सी आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली जब बोलना होता है कोई बात तो बोलनी होती है ऑफ कोर्स उस पे यार आप 4-5 बार चॉप कर रहे हैं यार नहीं बात करता जैसे दो लड़कियां बात कर रही अरे सुन ना ये हां कुछ तो हुआ ये और वो बैठे थे और मेरे को स्किप करते करते कुछ तो याद है मतलब अरे पता है तुम लोग को ये हाँ हाँ इग्नोर 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 नहीं है इट इज देम हाँ वो आपस में भी बात करते करते वो एकदम से टर्न हो जाएंगे हाँ वो उनकी वो एक ट्रेट है ऐसा नहीं कि दे आर रूड और इग्नोर वो है हाँ इट्स जस्ट देम ऐसे ऐसे बोलेंगे हाँ तो नहीं हो गया करेगा हाँ क्या हो गया और ये हाँ कुत्ते उड़ जाते हैं ऐसा है सो नाइस आई हैड अ लॉट ऑफ फन विद बोथ ऑफ यू आई होप नहीं भी हुआ होगा तो बोलना पड़ेगा नहीं यार क्यों बोलूंगी मैं ऐसे नो नॉट एट ऑल थैंक यू फॉर कमिंग आई नो आप बहुत थके हुए हो दोनों एंड आई नो नहीं लेकिन अभी फ्रेश हो गए ऐसा 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 कुछ नहीं है ऐसा कुछ आज मैं पूरा टाइम लेके आया तेरे लिए क्या किया आई वांटेड टू मेक यू फील गिल्टी नो वी कैन टॉक अ लॉट मोर बट यू ऑल डिड exceedingly well really in the interview ye to kuch dusra game khelne wali thi na khela ha ha never ever kon jeeta koi nahi jeeta nahi bolungi kya game tha ye naam bolungi na jo jeeta dekho yaad bhi tha kya kyun nahi yaad hai bhai of course mujhe yaad ginti mein kitne the you all are asking me the question ginti mein kitne the no
नौ थे, नौ तो पूछा ही नहीं, नौ पूछा, नेवर एवर, बीच का दो बार कट हो गया, नहीं सिर्फ बीन इन लव कट हो गया, तो आठ पूछा, ये देखा बीन इन लव क्या उसमें तो यस ना यू हैव बीन इन लव या कैसे पता तेरे को शादी किया ना जबरदस्ती हुआ लव मैरिज में आपकी फुल कहानी सुनी है ना ऐसा क्या तो लास्ट शो में मैं झूठ बोल रहा आपने बोला मैं बाल था तभी मेरा हो मैं बाल था मैं क्या बाल था मैं बाल था तब मेरा शादी हो गया बाल जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था माँ बाप ने देख लिया पूत के पैर पालने में शादी करा भाई now I think you've become very comfortable I'm very happy हाँ हाँ this is home can we have the gift please thank you so much Supriya you were lovely and you did so well here's your gift hamper चाली बजाइए thank you लेकिन लेकिन ये मैं पहले अपने राजीव बाबू को दे देती हूँ नहीं है उनके आप इतना प्यार मत दर्शाइए हम ही दर्शा देंगे एक और लाइए एंड ही डिजर्व्स दिस बिकॉज़ ही हैज कम ट्वाइस एंड ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम अस आंदे आंदे थैंक यू सो मच विशु विशु आई कॉल यू नाउ लाइक हां हैम्पर के लिए कुछ वाओ बहुत व्हाट इज दिस पंक यू गॉट पंक आई गॉट पंक लुक एट हिम लाइक अ बेबी इज कंपेयरिंग गैंग हैम्पर्स नाउ इट्स समथिंग कॉल्ड टूर पंक हां वो सार पंक है सार सचित सार सार का मतलब क्या खट्टा जेलेस मुझे नहीं मिला बहुत सॉल्टी था दैट इज सार सॉल्टी अभी एक ही वन नहीं होता है सार एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच इसमें नहीं है हां है 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 वी हैव टू बेबीज ऑन आवर शो गाइस This was from Rapper Smile. Thank you, Rapper Smile, for all this. This is this Rapper Smile. Rapper yeah. Smile. Thank you so much, yeah. Yeah. Thank you so much. And Aru and me. Aruna, always pleasure. Tanvi. Okay. Remember to what? Have fun in life. Add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems, and we do not want that on this show. Remember to like, share, and subscribe all our videos. Ashi did you say? Ashi, spice, spice. Remember to watch their show on Dangal. Tose Naina Milai ke. Every day. Nahi aise. Tose Naina Milai ke. 999. Ye tu jaan. 9 PM. 9 PM. Every day, Monday to Sunday. No, no, no. Again, Tose Naina Milai. Please watch their show. Tose. No, no, no. I'll do. Yeah. What ya? Ah. Oh my God. Okay, ready? Please watch their show. Tose Naina Milai Ke. Every day. Kar diya humne. Every day. No, no, no. Again. I love you. Mwah, bye. 20 स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें